हमारे साथ कई बार होता है कि जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक मैसेज आता है कि ये वेबसाइट आपके आईपी एड्रेस पर ब्लॉक कर दी गई है या फिर आपकी कंट्री में ये वेबसाइट अवेलेबल ही नहीं है, या फिर ये मैसेज आता है कि ये वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दी है। तो आखिर हम ऐसा क्या करें कि उस ब्लॉक वेबसाइट को हम ओपन कर सकें? तो इसके लिए हम काम में लेते हैं वीपीएन, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो आखिर आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि वीपीएन होता क्या है और ये काम कैसे करता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर एक वीपीएन होता क्या है और ये वीपीएन काम कैसे करता है। वीपीएन का मतलब है एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट किया जाता है जो आपकी जो ऑपरेटिंग सर्विस प्रोवाइडर है या फिर जिसने इस वेबसाइट को ब्लॉक किया है उनको ये लगता है कि ये इंसान इस वेबसाइट को यहाँ से एक्सेस नहीं कर रहा बल्कि दूसरी कंट्री से एक्सेस कर रहा है। जैसे कि मान लो कोई वेबसाइट आपकी कंट्री में ब्लॉक है तो जो वीपीएन है वो सर्वर को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि ये वेबसाइट इस कंट्री से एक्सेस नहीं होकर ये वेबसाइट किसी दूसरी कंट्री से एक्सेस हो रही है। अब हम बात करते हैं कि अगर वो वेबसाइट है वो आपके ऑपरेटिंग सर्विस प्रोवाइडर ने ब्लॉक की है तो ये कैसे होता है। मान लो आपके कोई फ्रेंड है, आपको अपने फ्रेंड को एक छोटा सा लिफाफा देना है। अब वो लिफाफा मान लीजिए ब्लॉक है इसलिए आप लिफाफा उसको नहीं दे सकते, पर आप उस लिफाफे के ऊपर नाम दूसरा लगा कर उसके अंदर कोई दूसरा मटेरियल उसको दे सकते हैं। ऐसे ही वीपीएन काम करता है। मान लो आपको कोई वेबसाइट ओपन करनी है, वो वेबसाइट ब्लॉक्ड है, तो जो वीपीएन होता है वो सर्वर को या फिर ऑपरेटिंग सर्विस प्रोवाइडर को ये दिखाएगा कि मुझे दूसरी वेबसाइट खोलनी है, मगर असल में वो उसको बिहाइंड द सीन आपको जो वेबसाइट ओपन करनी होती है उसका एक्सेस आपको दिलवा देता है, इससे आप उस वेबसाइट को ओपन कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं कि वीपीएन आखिर इतने सारे अलग अलग तरह के क्यों आती है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि इस वीपीएन की लिमिट है 1 Gbps, अगर आपको ज़्यादा काम में लेना है तो आपको इसे बाय करना होगा, या फिर इस वीपीएन की स्पीड इतनी है इसमें ये इसमें वो। तो आखिर ये सब क्यों होता है? मान लो आपको वीपीएन काम में लेना है तो जो वहाँ पर जो वीपीएन के सर्वर जितने काम आ रहे हैं उन सर्वर में इंटरनेट यूज होता है, उसी इंटरनेट यूज के हिसाब से उन्हें पैसे देना होता है, यानी कि जितने भी लोग उसके सर्वर को काम में लेते हैं उसके हिसाब से उनका खर्चा होता है, इसलिए उसका वो पैसा लेते हैं। और आपने कई बार ये देखा होगा कि फ्री वीपीएन में आते हैं, तो आखिर ये फ्री वीपीएन की क्या काम आते हैं और इन्हें पेड और फ्री वीपीएन में क्या अंतर किया है? देखिए पेड और फ्री वीपीएन में अंतर इतना है, जितना भी फ्री वीपीएन है वो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हैं, मगर जो पेड इन्फॉर्मेशन है उनकी पास गारंटेड होती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर होगी। वहाँ पर आप उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उनमें भी इन बात को पढ़ सकते हैं कि वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है या नहीं कि आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ रहेगी कि नहीं। जो फ्री वीपीएन होते हैं उनकी स्पीड स्लो होती है, मगर जो पेड वीपीएन होते हैं उनकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। मगर कई वीपीएन ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं फिर भी उनकी स्पीड फास्ट होती है, उनमें सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है। जिससे ही बात करें हम एंड्रॉइड के लिए आने वाले वीपीएन ऑर्बिट, अगर आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाकर ऑर्बिट नाम सर्च करते हैं तो आपके सामने एक जो वीपीएन आता है, जिससे आप इस वीपीएन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। आप इसके अंदर वीपीएन मोड ऑन करने के बाद इसमें सेटअप कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से ऐप के अंदर वीपीएन मोड अनेबल करना है। जैसे कि अगर आप गूगल क्रोम में या फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में आप अपने वीपीएन को एक्सेस करते हैं तो उस प्रोग्राम में जितनी भी हेड आप जो ब्लॉक्ड है आप उन्हें ओपन कर पाएंगे क्योंकि उसके अंदर वीपीएन अनेबल हो गया। अगर हम बात करें पीसी की तो पीसी में वीपीएन अनेबल करना काफ़ी ईजी है, जिससे कि आपको किसी भी जो ओपन सोर्स वीपीएन साइट है उस पर जाकर, जैसे कि एक फ्री वीपीएन बुक नाम से है, अगर इस वेबसाइट पर जाते हैं तो इसके अंदर आपको फ्री वीपीएन नाम से ऑप्शन मिलता है। उस वीपीएन के कोड को अगर आप विंडोज के जो वीपीएन सर्विस आते हैं जो विंडोज 10 के अंदर आते हैं, वैसे आप जितने भी नए यूजर्स हैं वो सभी विंडोज 10 ही काम में लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पीसी में विंडोज 10 होगा इसलिए आप इस सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आप विंडोज की सेटिंग में जाते हैं वहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आप अगर वीपीएन सेट करते हैं तो वहाँ पर आप अपना वीपीएन नेटवर्क डाल सकते हैं। जैसे आप ये सेटअप करते हैं तो आप आसानी से अपने पीसी के अंदर भी फ्री वीपीएन काम में ले सकते हैं, ये काफ़ी ईजी है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में वीपीएन कैसे काम में ले सकते हैं फ्री, और साथ ही अपने पीसी में भी आप फ्री वीपीएन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।